शंकर शिव हर रुद्रदेव हर 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 महादेव हर हर हर। हाँ, ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा कैलाशनाथम् पतिरस्तु परमो देवः पतिसेवा परमं पदम्। गौरी, संसार के सब शास्त्र पुराण और इतिहास का निचोड़ क्या है? पति की सेवा। हाँ, पति तुम्हारे लिए क्या है? साक्षात परमेश्वर। हाँ, साक्षात परमेश्वर। अच्छा गौरी, पति के रूप में मुझे पाने के लिए तुमने कितने जन्म तपस्या की होगी? तपस्या? ठहरो, मैं बताता हूँ। हाँ, पूरे 8 जन्म। तभी काकी के 8वें स्थान में शनिचर बैठा है। गौरी, तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? कि जन्म जन्मांतरों में आप ही मेरे स्वामी हो। अरे बाप रे, क्या इस एक जन्म में मनोकामना पूरी नहीं हुई? हाँ, तुम्हें मेरे सिवा किसी और का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। और आप रानी का मुंह तका करें। किसी दूसरे से बात भी न करनी चाहिए। और आप देवदासियों से घुल घुल कर बातें करते रहें। नित्य भगवान से पति की कल्याण कामना करो। ओहो, क्योंकि तुम्हारे पति के कल्याण में रानी का कल्याण है। अच्छा गौरी, अब दूसरा अध्याय सुनो। दूसरा अध्याय? हाँ गौरी। काकाजी, काकाजी। क्या है रे? महादेव जी ने अभी आपको बुलाया है। क्या? आपको बुलाया है मंदिर में, जाके देखिए। भगवान यूं खड़े हैं, यूं, बस तीसरा नेत्र खुलने ही वाला है काकाजी। चुप रह तू, क्या बकवास करता है? भगवान तुझसे बातचीत करने आए थे, दुष्ट। नहीं नहीं सुनिए, आप रोज भगवान से बातचीत करते हैं, हो सकता है आपके नाते आज भगवान काशी से प्रसन्न होकर बोले हो। लीजिए, सुना आपने काका जी, बेचारी काकी एकदम गऊ है और आप ऐसी निर्मल आत्मा को रात दिन सताते हैं। काशी, मुझे कह लेने दो काकी। काका जी, अगर आप काकी का आदर करना सीख जाए तो आपका जन्म सुधर जाए। नहीं नहीं काशी, तू ये क्या कहता है? ठीक कहता हूँ काकी, सबसे पहले तो इस मनगढ़ंत कैलाश पुराण को पढ़ कर देखना चाहिए। क्या कहा? ठहर जा भागे। गौरी, जाओ अंदर जाओ। शिव शंभो।